हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्लास वन के लिए चैप्टर नंबर फोर कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर फोर था आपका मीट माय फैमिली, जिसमें मैंने आपको बताया था स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, फिर रिलेशनशिप इन अ फैमिली, एक फैमिली में क्या क्या रिश्ते होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग ईच अदर, कैसे हम एक दूसरे के हेल्प करते हैं फैमिली में, और कैसे चिल्ड्रन जो है वो अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हैं, ठीक है। हमने ये सारी चीजें कर चुके थे, आज हम करने वाले हैं टाइम टू डू वर्क, ठीक है। यहाँ पर जो भी हम इस चैप्टर में पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए, फर्स्ट है आपका टेक द करेक्ट आंसर, जो इन तीनों में से जो सही आंसर है उसमें हमें टिक करना है। आपका क्वेश्चन नंबर वन है, मदर एंड फादर आर कॉल्ड, मम्मी और पापा को क्या कहते हैं। तो मम्मी और पापा को फ्रेंड कहेंगे या ग्रैंड पेरेंट्स कहेंगे या फिर पेरेंट्स कहेंगे। तो हम मम्मी पापा को क्या कहते हैं, पेरेंट्स। तो हम सी पर जो सर्कल बना हुआ है उसमें टिक करेंगे, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मदर फादर एंड देयर चिल्ड्रेन मेक अ डैश, मम्मी पापा और उनके बच्चे जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं, सिटी बनाते हैं या फिर टाउन बनाते हैं। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं। तो ए नंबर में जो फैमिली लिखा है उसके सर्कल वाले में हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन इन अ फैमिली, कहा जा रहा है कि घर पर परिवार में अपने बच्चों को कौन देखता है, रिलेटिव्स देखते हैं, कजिन्स देखते हैं या फिर पेरेंट्स देखते हैं। तो कौन देखते हैं, पेरेंट्स देखते हैं। तो हम पेरेंट्स पे क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी में आइए, देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स अबाउट योर फैमिली। यहाँ जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, वो आपके फैमिली मेंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको खुद से भरना होगा, मैं आपको हेल्प करती हूँ। आप देखो, फर्स्ट है देयर आर डैश मेंबर इन माय फैमिली, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो आपको यहाँ लिखना है। अगर फोर हैं तो लिखेंगे एफ ओ यू आर, अगर फाइव हैं तो लिखेंगे एफ आई वी ई, सिक्स हैं तो सिक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फिल करना है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, माई फैमिली इज अ डैश फैमिली स्मॉल और बिग, तो आपके फैमिली जो है वो कैसा फैमिली है, छोटा फैमिली है या बड़ा फैमिली है। अगर छोटा फैमिली हो तो उसके जगह लिखेंगे स्मॉल, और अगर बिग फैमिली है तो लिखेंगे बिग। स्मॉल फैमिली किस फैमिली को कहते हैं, स्मॉल फैमिली कहते हैं जब पेरेंट्स और सिर्फ चिल्ड्रेन रहते हो तो स्मॉल फैमिली। तो आप देखना, आपके फैमिली में मम्मी पापा के साथ आप चिल्ड्रन ही रहते होगे, तो आप यहाँ पर स्मॉल में स्मॉल का स्पेलिंग यहाँ लिखोगे, ठीक है। और अगर उनके साथ दादा दादी भी रहते हैं तो यहाँ पर हम बिग लिखेंगे, ठीक है। तो आप ये अपने पेरेंट्स के हेल्प से इसे भर लेना। नेक्स्ट है, माय फादर्स नेम इज, आपके पिताजी का क्या नाम है उसे यहाँ लिखना है। फोर्थ है, माय मदर्स नेम इज, आपकी माँ का क्या नाम है वो यहाँ लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आपको अपने पेरेंट्स के हेल्प से इसे भर लेना है। क्वेश्चन नंबर सी, टेक व्हाट यू वुड डू टू हेल्प योर फैमिली मेंबर्स एट होम। यहाँ पर कहा गया है कि उनको टिक कीजिए जिस जो आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए घर पर हेल्प करते हो। तो देखिए, आप क्या करते हो ये तो आप खुद जानते हो, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए वो देखो, मैं क्या करती हूँ घर पर, ठीक है। सर्व वाटर एंड टी टू पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, मीन्स अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को चाय और पानी देना। तो आप देते हो, अगर देते हो तो यहाँ टिक करो, और नहीं देते हो तो इसे क्रॉस कर देना, ठीक है। सेकेंड है, हेल्प मदर इन द किचन, अपनी माँ का किचन में मदद करना। तो आप ये करते हो या नहीं करते, अगर करते हो तो टिक लगाएंगे और नहीं करते हो तो क्रॉस करेंगे। थर्ड है, क्लीन योर ओन रूम, आप अपने रूम की सफाई खुद करते हो, अगर हाँ तो टिक लगाएंगे और नहीं तो क्रॉस करेंगे।
फोर्थ है गेट रेडी फॉर स्कूल ऑन योर ओन, स्कूल जाने के लिए खुद से तैयार होते हो या नहीं होते हो, अगर होते हो तो टिक लगाएंगे और नहीं होते हो तो क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपका ए बी सी क्वेश्चन, जिसमें से ए और सी मैंने बताया और बी आपको खुद से भरना होगा क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स के डिटेल्स तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो आप इसे अपने फैमिली या फिर अपने पेरेंट्स की मदद से फिल कर लोगे। नेक्स्ट डे हम करेंगे ये क्वेश्चन आंसर। ठीक, तब तक के लिए घर पर रहो और सेफ रहो।